बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम असलम पी टी वी नैशनल मुल्तान तो की खबर के नाल मैं हाँ आयशा अहमद हिंद ना ही हम तई दबर पाकिस्तान ते मलेशिया के वजरा आजम नूतरफा ताउन को मजीद बधावण के अजम का इदा हुए मलेशिया को एक लख मीट्रिक टन चावल ते गोश्त की बरामद पर इतफाकते आजम अपने मलेशियन हम मनसब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नाब करेंगे यकीन का इज़हारे जो दातु श्री अनवर इब्राहिम की क्यादत दुहाएँ मुल्क के दरमियान तावन मजीदी उन्होंने उम्मीद का इजहार किया जजीर एजम अनवर इब्राहिम की क्यादतश दिफाते सिक्योरिटी समेत दू तरफा ताउन को मजीद वधे सों मलेशियन दिफा वजीरजम दातु श्री इब्राहिम आख्या जो पाकिस्तान अलामा इकबाल के ख्वाब की तामीर ताबीर आलम इस्लाम कि बहु अहम है उन्ह आख्या जो पाकिस्तान नाउन मजीद बतेसूँ मशरक़ वस्ता की सूरतहाल का जिक्र करेंगे मोहम्मद शहबाज शरीफ आख्या जो फलस्तीनिया की नसलकुशी से डाढ़े मूंझे हैं पाकिस्तान गजाएच फौरी जंगबंदी का मुतालबा करेंगे मलेशियन वज़ी आजम आख्या जो इसराइली जारहीियत की शदीद मजम्मत करेंगे हैं तो कश्मीर बारे सलामती कौंसल दिन करारदादा की हिमात करेंगे हैं सदर आसिफ अली जरदारी मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम दे दरमियान मुलाकात इस दुहाएँ अगवाणा तजारत मीशत बैंकिंग सैक्टर फूड टेक्नोलॉजी ते जरात के दो तरफ़ा ताउन मजीद वधाम आज़म का इदा किए मुलाकात इस नायब वजीर आजम ते वजीर खारजा इसहाकदार चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी वज़रात सैन सैनिटर भी मौजूद हैं रूहें अगवाणा ख़जा की मौजूदा सूरतहाल से तशवीश का इज़हार करेंगे आख्या जो आलमी बरादरी इसराइल को फलस्तीनी आवाम के खिलाफ नसलकुशी मजानिम तो रोके ही तो पहले मलेशिया के वजीरजम एवान सदर आए थल सदर आसिफ अली जरदारी उन्हों का इस्तेकबाल किया नायब वजी अजम से वजीर खारजा इसहाकडार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी काबीना के अरकान भी ही मौके पर मौजूद हैं सदर आसिफ अली जरदारी मलेशियन सदर के एजाज इशाइये का भी एहतमाम कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मलेशिया दे वजीर अजम दातुसरी इब्राहिम दे दरमया रावलपिंड थी मुलाकात दो तरफा तस्वीराती मफादात इलाकाई सलामती दफाई तान बारे तबादला खयाल थिया आई एस पी आर के मुताबिक मलेशियन वजीरज़म अनवर इब्राहिम इलाकाई यमनो इस्तेकाम पाकिस्तान दिया मुसलह अफवाज के किरदार की तारीफ करेंगे हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पेशावराना महारत कुरबानिया का एतराफ़ किया मुलाकात दुहाए बरादर मुल्क के दरमियान दूतरफा तलुकात खास तौर पर फौजी तालुकात को वधावन की जरूरत पर जोर दिता गया मलेशियन वजीर अजम आर्मी चीफ को मलेशिया दौरे की दावत भी दी आर्मी चीफ दावत देवण शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ आख्या जो यहीं दौरे न लूहें मुल्क की फौज के दरम्यान पायदार से तारीखी तालुकात को मज़ीद बेहतर बनाने मदद मिल सी आर्मी चीफ जनरल सईयद आसिम मुनीर एवानी सदर मलेशिया के वज़ी अजम के एजाज थीवन आई सरमाकारी की तकीबते जियाफ़त शिरकत भी की थी। वजीर अला मरियम नवाज़ शरीफ मुखलिफ़ महमे की मलकियत आराजी का रिकॉर्ड मंगते हुए सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल कि प्लैन बनादायत की वजीरला जेरे सदारत थीमे इजलास में थी पहली सहमाई रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायज़ा लिखा गया पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुखलिफ़ जिलों तौसी की मंजूरी दी देती गई मरियम नवाज़ माली वसायल वधावणी मनसूबाबंदी तो सूबे रेस्टोरेंट बेकरियाँ शादी हॉल का मुस्त डेटा बढ़ाने की हिदायत की मरियम नवाज़ आख्या जो अवाम उतर टैक्स बधाए बगैर रेवेन्यू की वसूली बधाई वजे उन्होंने आख्या जो अवाम कहते बहु कुछ करना चाहिए हाँ लेकिन सारे को माली वसायल बहु ज़्यादा कहनी वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो वफाकी दारुल दारकूमत इस्लामाबाद च अहम नौयत या बैन अल्कामी तकरीब के अलावा दोस मुल्क वज़ीरम भी मौजूद हैं इंजे मौके उत्ते कोई भी मुहबे वतन एहतजाजी मुजाहरे नहीं कर सकता इस्लामाबाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे हुए उन्होंने वाजिया किया जो एहतजाज करा नरमी ना करे सू वजी दाखिला मोसन अकबी आख्या जो तहरीके इंसाफ की क्यादत को एहतजाज सदे ते नज़रसानी करनी चाहिए है उन्होंने आखिया इन्ह डी जैं इस्लामाबाद बैन अल्कवी कॉन्फ्रेंस सीवन आई है एहतजाज कर मकसद है इन्ह डी बात भी तो एहतजाज थी सकते वजीर इतलात पंजाब अजमा बुखारी आखे जो वजीर अला खैबर पखतूनखा अली अमीन गंडापुर करेना लिफ्टर सरकारी वसायल सरकारी मुलाजमीन दे रले इस्लामाबाद उत्तर चढ़ाई कर आते पैन क्या ही किस्म की मशीनरी के नाल जदोजहद ही है वजीर इतलात अपने एक बयान आख्या जो अली अमीन सियासी शो नहीं बल्कि फसाद फैलाव आँगे पैन पंजाब मुकम्मल तौर पर पुरअम तो पुरसकून हालात है सूबे की आवाम फितने फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दीते उन्ह आखिया जड़ा भी कानून की खिलाफवर्जी करे सख्ती करे सू अजम बुखारी आख्या जो पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का इजलास थी आला है उन्होंने आख्या जो जेल बैठे कैदी कूँ पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली पसंद कहनी आवाम उनकीकत जान गए ये एक फितना है हुकूमत दया मुस्बत मुशी पॉलिसिया सम्राट सामने आने पैण आज भी स्टॉक मार्केट बुलंदी बरकरार है हंडर्ड इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह तिरासी हज़ार एक सौ छिहत्ते पुज गई है हंडर्ड इंडैक्स चार सौ बवंजा तो ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफत है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार दिता गए इंटर बैंक भी डॉलर उन्ती पैसे सस्ता थी गए بانو الاقوامي ستا اوتے پاکستان دی معاشی صورتحال کو بہتر قرار دتا وینا پے۔ حکومت پنجاب لاہور راول پنڈی اٹک تے دوجے شہرائں وچ اج کل وان دے ترہ دیہاں کیتے دفعہ 144 لا دیتی ہے۔ اِنہ شہرائں وچ ہر قسم دے سیاسی اجتماع، دھڑنے، جلسے، مظاہرے تے احتجاج اُتے پابندی لگ گئی ہے۔ रावलपिंडी तटक अज तक कल कितें रेंजर्स दिया छपनिया दिदमात भी तलब कित गए हैं इस्लामाबाद की इस्लाम ज़िले इंतजामिया भी दारकूमत दफ़ा एक सौ चवाली ला लीती है शहरिया तो गुजारिश की गई है जो ओ कहीं भी गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने इस्लामाबाद की पोलिस अवाम की जानते माल के तहफुज गे हर वेले मसरूफे अमल है अमनो अमान अड़नदा पावन आया खिलाफ़ कानून हरकत चासी एस आई एफ सी दशा चीनी सरमायाकारा की तरफों पाकिस्तान सरमायाकारी दिलचस्पी जाहिर की थी गई है एक जामिया रोडमैप के जरिए टैक्सटाइल प्लास्टिक लैदर मेडिकल, सर्जिकल आलात तजद तवानाई दनत पाकिस्तान मुंतकली कि चीनी कंपनियों लाल साझ की गई सी चीन दोलर पैनल बनावाली कंपनी रेनीसोलर पाकिस्तान पोर्ट कासिम कराची सोलर पैनल असंबल करण की सहूलत कायम करेगी जिनके जरिए त्रै मरहलिया चार मेगावाट तई सोलर पैनल बनाए गए सिक बई कंपनी खैबर पख्तून ख्वाह इलेक्ट्रिक बाइक डूजे शोब सरमायाकारी ख़्वाहिहश जाहिर की है अलावा टैक्सटाइल इंडस्ट्री गीते खाम माल तैयार कराया दू मशहूर कंपनिया भी पाकिस्तान पलांट लावन का एलान कि वजीर अला मरियम नवाज़ शरीफ की तरफों किसान दोस्त इकदाम जारी हैं

ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज हो चुका है किसानों की सहूलत के लिए महकमा जरात के दफ्तर में ग्रीन ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है ये मौजूदा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है फार्मर के लिए इसमें पंजाब में पचानवे सौ ट्रैक्टर मुख्त किए गए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लिए दो सौ सतासठ ट्रैक्टर मुख्तस हैं दस लाख सब्सिटी फी ट्रैक्टर मुख्त की गई है ये एक बहुत बड़ी सब्सिटी है मुल्तान डिवीजन के अजला मुल्तान खानावाल बिहाड़ी और लोदरा में ग्यारह सौ उनहत्तर ग्रीन ट्रैक्टर बजरिया कुरान दाजी तकसीम किए जाएंगे दरख्वा जमा कराने वाले काश्तकारी ने इस सकीम को मुल्क में ज़रात के शोबे की तरक्की का जीना करार देते हुए कहा है कि इस तरह की सकीमें पाकिस्तान जैसे जरूरी मुल्क के लिए बेहद ज़रूरी हैं ये जो स्कीम लॉन्च की है मैं उनका बेहद मशहूर हूँ ये जो मसाइल थे किसानों के मेरी उम्मीद है मेरी सोच है काफ़ी हद तक किसानों को ये सपोर्ट होगी रिलीफ मिलेगा मोहतरमा मरिया नवाज़ साहबा की बहुत बड़ा कारनामा है ये किसानों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जिनसे छोटे किसान को बहुत ज्यादा फायदा होगा इस स्कीम के तहत ऐसे काश्तकार जो एक एकड़ से पचास एकड़ तक जरिए अराजी के मालिक हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन दस अक्टूबर तक मुकम्मल करवा सकते हैं पंजाब भर में पहले फेज में पचानवे सौ ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को बजरिया कुरान दिए जाएंगे और हर ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकार को दस लाख रुपए की सब्सिडी होगी पंजाब का के में अहम किरदार अदा करेगा दिलावर हुसैन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज मुल्तान कोटू जिला इंतजामिया काविशा बाइक एम्बुलेंस की सहूलत का आगाज कर दिया गया रेस्क्यू वन वन टू टू की तरफों जिला कोट आदू को पांच मोटर बइक एंबूलेंसि मुहैया कर दिखाई बाइक बइक एंबूलेंसि इफ्तार डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की तरफों किया गया इंचार्ज सेंटर की तरफों बाइक एंबूलेंस की सहूलत बारे ब्रीफिंग दी थी गई डिप्टी कमिश्नर कोट आदू तो असिस्टेंट कमिश्नर फर्स्ट एड किट्स का भी मुआयना किया ही मौके पर मीडिया नाल गाल करेंदे हुए डिप्टी कमिश्नर कोट आदू का आखाण हा जो बाइक एंबूलेंस मुहैया थी थीवन कोट आदू की आवाम दशकिलत कमी थी ਉਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਜੋ 1122 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਇੰਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਮਲਦਰ آمد تھی ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਹਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀ ਆਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੋ ਇਮਰਜਬ ਆਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਲਤਾਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਅਸ਼ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕਾ ਸੀ درجہ ਹਰਾਰਤ ਮਲਤਾਨ ਵਤ ਤਮਦ 38 ਘਟ ਤੁਘਟ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ दे बहावलपुर वध तो मध अठती घट तो घट्ट सतावी से देर आगा खान् तो मध सैंती घट तू घट छवी डिग्री सेंटीग्रेड रहन का इम्कान है यही दिन खबर पी टी वी नैशनल मुल्तान टीम के नयशा अहमद को इजाजत दे सो अला निगेबान